दोस्तों सुबह के 10 बजते ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है और ये गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि समर जो चालू होने वाला है। गर्मी के चलते कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन होता रहता है ताकि अपनी बॉडी को थोड़ी सी ठंडक ही मिल जाए। ऐसे में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या प्रिजर्वेटिव पैक्ड ड्रिंक जो रहते हैं उसको ही पीना ज्यादा पसंद करते हैं, सही है ना। पर एक चीज आपको बता दूं कि ये जो ड्रिंक्स होते हैं भले आपको एक पल में ठंडा करके जाए पर ये फ्यूचर में जाके आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर ऐसी चीजों पे क्यों खर्चा करना जो हमको ही आगे जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसे 9 समर ड्रिंक जो आप अपने घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हो। ये ड्रिंक्स हेल्दी है, टेस्टी है, प्लस इजी टू मेक है। और सबसे बड़ी चीज कि ये ड्रिंक्स आपके बॉडी में जाके आपको ठंडक देती है, आपको रिफ्रेशिंग करती है और ये 100% नेचुरल ड्रिंक है। और इसमें से कई ड्रिंक तो ऐसे है जो आप आधे मिनट में ही बना सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते चलते हैं अपने ड्रिंक्स की रेसिपी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जॉनल शुक्ला, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पता है बाहर की गर्मी में हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पानी का इंटेक कम करना। अब उसका भी रीजन है कि गर्मियों के चलते पीने का पानी जो रहता है वो गर्म होता है जिसके चलते हम ज्यादा पानी पीना पसंद नहीं करते है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रिजर्वेटिव पैक ड्रिंक्स जो रहते हैं उसको ही पीना पसंद करते है और उसी से उनकी प्यास बुझाते हैं। पर एक चीज आपको बता दूं कि जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना उसमें शुगर और प्रिजर्वेटिव की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे बड़ी चीज कि आप गर्मी से जैसे बाहर आते हो और एकदम से कुछ भी ठंडा पी लेते हो तो आपको हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स आपके सेहत के लिए वो हानिकारक होता है, इससे आपको बीमारियां भी हो सकती है और अगर आप धूप में निकलते हो तो आपको लू भी लग सकती है। तो ये सबसे बचने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है नेचुरल कोल्ड ड्रिंक। ये आपको धूप में भी कूल करके रखती है, आपको रिफ्रेशिंग करके रखती है और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स भी देती है। तो ज्यादा टाइम ना लेते चलते हैं ये समर ड्रिंक्स की रेसिपी की ओर। तो चलिए चलते हैं किचन में, मेरे किचन में। वाटरमेलन और मिंट का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही ठंडक देने वाला है। समर चालू होते ही वाटरमेलन हर जगह दिखने लगते हैं, सही है ना। तो उसको यूज करना तो बनता है। हम एक बाउल जितना वाटरमेलन को स्लाइस कर लेंगे, इसमें से सीड्स को नहीं निकालना है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसमें हाफ कप जितना मिंट लीव्स मीन्स पुदीने के पट्टे लेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मीन्स जीरा पाउडर लेंगे और ब्लेंड कर देंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें इसको ट्रांसफर कर लेंगे। सो ये रेडी हो गया हमारा वाटरमेलन मिंट ड्रिंक। वाटरमेलन नेचर में ठंडा और फाइबर से भरपूर होता है। ये बॉडी में पानी की समस्या को कम करता है और डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। तरबूज और पुदीने का कॉम्बिनेशन से जो टेस्ट बनता है वो एकदम ऑसम होता है। सो इसे आप जरूर ट्राई करें। पता है ये लस्सी ऐसी है जिसमें दही की जगह दूध का यूज होता है। एक ग्लास लेंगे और उसमें अराउंड 40 ml जितना दूध लेंगे और इसमें एक टेबलस्पून मिश्री पाउडर डालेंगे। शुगर को तो आपको कपबोर्ड में ही लॉक कर देना है, सही है ना। थोड़ा सा कार्डमम पाउडर मीन्स इलायची डालेंगे इसमें। अब ग्लास को पूरा पानी से हम फिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन मीन्स केसर डालेंगे और इसको वापस मिक्स कर देंगे। सो ये रेडी हो गई हमारी कच्ची लस्सी। पता है ये पंजाबी लोगों की फेवरेट ड्रिंक है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ये बनाने में भी बहुत आसान है और कूलिंग इफेक्ट तो जबरदस्त देती है। सट्टू नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। जब भुने चने को पीस दिया जाए और फाइन पाउडर बना दिया जाए तो उसे सट्टू बोलते हैं। ये आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा।
तो इसका ड्रिंक कैसे बनाएं? तो उसके लिए हम एक ग्लास लेंगे, उसमें अराउंड 40-50 ml जितना पानी लेंगे। इसमें 1-1.5 tablespoon सट्टू पाउडर डाल देंगे, बाद में ग्लास को वापस पानी से रिफिल कर देंगे। इसको प्रॉपर मिक्स कर देना है। पता है सट्टू में 20% जितना प्रोटीन होता है, साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज के जैसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक डालेंगे, जिसे हम संचर बोलते हैं। आप जो भी बोलते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अब इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे, इसको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा सट्टू का शरबत। कभी भी आपको गर्मी की वजह से थकान हो, शरीर टूटने लगे, तो सट्टू शरबत ज़रूर पिए। ये आपकी बॉडी को तुरंत ठंडा करता है और आपको एनर्जी देता है। ये शरबत स्किन के लिए सुपर्ब है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फैट रिड्यूस हो जाए और गर्मी में ठंडक का एहसास मिल जाए, तो आपको क्यूकुम्बर ड्रिंक को ट्राई करना जरूरी है। आपको एक क्यूकुम्बर मीन्स खीरा लेना है, जिसको चॉप कर देना है छिलके के साथ। आपको भूल से भी उसे पील नहीं करना है, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें चॉप किया हुआ खीरा डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक डालेंगे, देन थोड़ा क्यूमिन पाउडर मीन्स जीरा पाउडर लेंगे। अब इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब ये सभी को ब्लेंड कर लेंगे। अब एक ग्लास लेंगे और इसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा कोल्ड क्यूकुम्बर ड्रिंक। आप चाहो तो इसको छान सकते हो, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही इसे पिए, जिससे आपको इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। पता है ये फाइबर रिच है, वाइटामिन से लोडेड है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल से भरपूर है, फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है और अमेजिंग कूलिंग इफेक्ट देता है। टेस्ट में ये सुपर्ब है, सो इसे आप जरूर ट्राई करें। गोंड नाम तो सुना होगा आपने। यहाँ पे दो टाइप्स के गोंड है। जो राइट साइड वाला गोंड है वो नेचर में गर्म होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडी को दिया जाता है। और जो लेफ्ट साइड का गोंड है वो गोंड कटीरा है, जो नेचर में ठंडा होता है, जिसे गर्मियों में यूज किया जाता है। गोंड नींबू शिकंजी बनाने के लिए पहले हम हाफ स्पून गोंड कटीरा को एक बाउल में लेंगे। ये आपको फार्मेसी या आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। इसमें थोड़ा पानी डाल के उसको सोक करने रख देंगे अराउंड 3-4 घंटे। तो ये रेडी हो गया गोंड कटीरा। ये जेली फॉर्म में हो जाता है, सो आप इसे मिल्क, लस्सी, शरबत आदि में भी यूज़ कर सकते हो। हम एक ग्लास लेंगे और उसमें अराउंड 250 ml जितना पानी लेंगे। इसमें आप 2 स्पून मिश्री पाउडर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे ले। इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें 2 स्पून गोंड कटीरा डालेंगे, जो हमने पहले ही रेडी करके रखा था। प्रॉपर मिक्स कर देंगे इसको। तो ये रेडी हो गया गोंड लींबू शिकंजी। ये नेचुरल ड्रिंक है, जो आपको ठंडक देती है और गर्मी में लू नहीं लगने देगी। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, वीकनेस को दूर करता है, हार्ट स्ट्रोक नहीं आने देता, साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें 1 lemon स्क्वीज कर देंगे। इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मीन्स सेंधा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मीन्स जीरा पाउडर लेंगे। अब इसमें 1 glass पानी ले लेंगे, हाफ बाउल जितना मिंट लीव्स मीन्स पुदीने के पत्ते डालेंगे
और उसको ब्लेंड कर लेंगे। अब एक ग्लास लेंगे और उसमें एक स्पून जितना बेसिल सीड्स मीन्स सब्जा लेंगे, जो मैंने पहले से ही पानी में सोक किया हुआ था, ये नेचर में ठंडा होता है। अब जो रेडी हुआ लिक्विड है वो ये ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे। सो ये रेडी हो गया हमारा लेमन मिंट सॉल्ट। ये ड्रिंक गर्मी में आपको एनर्जी देता है, चिलचिलाती धूप में भी आपको काफ़ी राहत देता है, लू नहीं लगने देता, साथ में आपके शरीर की गर्मी को भी कम करता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो उसके लिए जलजीरा जरूर लेना चाहिए। इसको बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें थोड़ा सा जगेरी पाउडर मींस गुड़ लेंगे, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट हम हाफ बाउल मिंट लीव्स मींस पुदीने के पत्ते लेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मींस जीरा पाउडर लेंगे, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मींस सेंधा नमक लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मींस काला नमक लेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग मींस असाफोइटिडा लेंगे, इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। अब इसमें एक ग्लास पानी ले लेंगे, अब इसको ब्लेंड कर देंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें ये ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया जलजीरा। आप चाहो तो इसे छान सकते हो। गर्मी में जलजीरा पीने से बॉडी में नमी बनी रहती है, जिससे गर्मी का असर कम होता है। साथ ही इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स कई बीमारियों से बचाते हैं। ये ठंडा है, रिफ्रेशिंग है, आयरन का अच्छा सोर्स है। इसमें हर्ब्स और स्पाइसेस से बना ये ड्रिंक बॉडी की एक्सेस हीट को बाहर निकालता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करता है। इसमें एक मिक्सर जार लेंगे, जिसमें एक बाउल कर्ड मींस दही लेंगे। अब इसमें दो बाउल पानी लेंगे, इसमें एक से दो ग्रीन चिली मींस हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स मींस धनिया लेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा ग्रीन गार्लिक मींस हरा लहसुन लेंगे, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर मींस अदरक लेंगे, थोड़ा सा मिंट लीव्स मींस पुदीने के पत्ते लेंगे, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मींस सेंधा नमक डालेंगे। नेक्स्ट हम ब्लैक सॉल्ट मींस काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर मींस जीरा पाउडर लेंगे। ये सभी को ब्लेंड कर देना है। अब एक ग्लास लेंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा पुदीना बटर मिल्क। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट समर ड्रिंक है। पता है छाछ पीने का बेस्ट टाइम है लंच के साथ या उसके पहले। ये गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाती है और डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, जिसमें हाफ बाउल जितना फेनल सीड्स मींस सौंफ लेंगे और उसे ग्राइंड कर देंगे। अब ये पाउडर को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। एक ग्लास लेंगे और उसमें अराउंड एक से डेढ़ स्पून जितना सौंफ पाउडर डालेंगे। अब इसमें एक स्पून मिश्री पाउडर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। अब ये ग्लास को पानी से पूरा फिल कर देंगे, इसको प्रॉपर मिक्स कर देना है। तो ये रेडी हो गया हमारा सौंफ शरबती। ये बनाने में बहुत ही आसान है, सौंफ नेचर में ठंडा होता है, सो ये गर्मी में आपको ठंडा करके रखता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं। ये सभी के सभी ड्रिंक्स समर में काफ़ी इफेक्टिव है। ये आपको एनर्जी देता है, धूप में लू नहीं लगने देता, आपकी बॉडी को ठंडा करके रखता है। सभी ड्रिंक्स को आप मिड मॉर्निंग से इवनिंग स्नैक तक ले सकते हो। सभी ड्रिंक्स में शुगर आपको अवॉइड करना है, उसकी जगह आप मिश्री को यूज़ कर सकते हो, ये नेचर में ठंडा होता है। सो इसको आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। मैंने कोई भी ड्रिंक्स में आइस क्यूब का यूज़ नहीं किया है।
ऐसे तो ये सभी कोल्ड नेचर के हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो। सो सभी ड्रिंक्स को आप ज़रूर ट्राई करें, और आपको कौन सा ड्रिंक बेस्ट लगा, अमेजिंग लगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव प्लस एजुकेटिव रहा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टेक्स्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम थिंक हेल्दी फील हेल्दी बी हेल्दी। Bye.